हाँ बिल्कुल, ये वैसे तो बनाया जा रहा है लेकिन मेरे लिए कुछ चीज़ें हैं जो मुझसे छुपी हुई थी, अब सामने आ रही हैं तो मुझे बुरा लग रहा है। मेरा बिल्कुल, ये जैसे जैसे शादी नज़दीक आती जा रही है, कुछ ना कुछ रस्मों के दरमियान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं, और साथ में ध्रुव और थपकी के जो बीच में आपस में जो टकरार चल रही है उसके दौरान मेरे अंदर और ध्रुव कुछ शक के बीच वो रहा है, जो भी फाइनली स्टेज ले रहे हैं अपना, मतलब जड़ें तैयार हो रही हैं उसकी, तो कहीं ना कहीं वो जो प्यार था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वो शक की उसमें बदलता जा रहा है, शक में। तो ये शक आज फाइनली टूट पड़ा और मतलब कंप्लीट भर लिया वो आज, लेकिन ऐसे जैसे क्या हुआ? धीरे धीरे यही ध्रुव ने कहीं ना कहीं मुझे ये साबित करने की कोशिश की है कि है ना, थपकी दोस्त को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है अपने पति से ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी दोबारा होने वाली है, तुम दोनों जीवन भर के साथ में हमेशा के लिए बंधने वाले हो, बट स्टिल उसके लिए दोस्त, मैं जो उसका पुराना दोस्त हूँ, इतना पुराना दोस्त हूँ, हम लोगों ने साथ में काम किया है, एज ए कलीग काम किया है, बट वो आज भी मुझसे ज़्यादा मुझे मानती है, सारी चीज़ें मुझे बताती है। तो ये बिहान को हज़म नहीं होती बात, मतलब ऐसा क्यों है यार कोई भी। फिर जैसे ध्रुव ने एग्जाम्पल्स दिए काफ़ी सारे कि देखो, मतलब जो भी नेगेटिव उनके साथ हुआ था उसने, ध्रुव ने उसको पॉजिटिव वे में मुझे बताया कि ऐसा हुआ था, जबकि हुआ उसका जस्ट अपोजिट था, जबकि वो किसी मजबूरी में वो काम करने पड़े थे, बट ध्रुव ने मुझे ये बोला कि नहीं देख, इसने मेरे साथ पार्टी सेलिब्रेट करी, हम लोग एक उस साउंड जो साउंड रूम था उसमें बंद हो गए और वहाँ उसने मुझे हक कर लिया, मुझे डर लग रहा था इसलिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बयान को ऐसे खटक रही हैं धीरे धीरे धीरे, एक पे चोट चोट पे चोट 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 चोट, चोट करते करते आज गड़ा फट गया। फाइनली आज ध्रुव ने कहा कि मैं तो एक टेस्ट लेते हैं, और उस टेस्ट में हुआ ये कि दो पोल थे, दोनों पोल आधे आधे कटे हुए थे, उन्हें खींचना था, दोनों हम दोनों पे गिरते, बस थपकी सामने ये टास्क थी कि वो किसे बचाती है। बट एज यूजुअल उसने फिर अपने दोस्त को चुना, प्यार को छोड़ दिया। तो बस आज बिहान ने फैसला कर लिया फाइनली कि अब बस अब नहीं हो सकता, ऐसे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। जब देखो जहाँ प्यार होता है वहीं सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सबसे ज़्यादा गुस्सा भी वहीं आता है जिससे प्यार होता है। तो उस गुस्से को क्लियर करने के लिए मैंने सबकी से यही कहा था कि तुमने मुझसे क्यों कुछ नहीं कहा, मुझे क्यों कुछ नहीं बोली। बट उसका यही मानना है कि अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम जो अपने भाई पे इतना भरोसा करते हो, भरोसा टूट जाता। मैंने अब ये चीज़ें, अब बेहान तो अपने कैरेक्टर में नहीं सोच सकता कि अब मैं क्या करता अगर भाई के बारे में सुनता तो, लेकिन तुमने मुझसे छुपाई ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बस अब मुझे बुरा लगा है। तो अब पता नहीं, देखते हैं क्या है, खामियाजा कब तक चलता है सब। लास्टली तो अभी देखो, अभी तो मुझे भी आइडिया नहीं कि क्या होने वाला फाइनली। मैं तो अभी इस रिश्ते को थोड़ा पॉज मूड पर डालने वाला हूँ मेरी तरफ से, तो अभी ऐसे तो नहीं चल सकता बॉस। अगर आपको प्यार प्यार ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है यार, फालतू की रस्में हम मना रहे हैं ये सब करने, कोई मतलब नहीं। सुपर मज़ा आया आज, देख तो आउटडोर शूट, मौसम इतना अच्छा, फिल्म सिटी का ऑफकोर्स, बारिश धीरे धीरे छम 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 बारिश हो रही है, मस्त फील ले रहे हैं हम लोग फुल बारिश का, यूँ पहाड़ों वाला और ऐसे डंडे के गिरने वाले पोल गिरने वाले सीन, मज़ा आ रहा करने में। थैंक यू सर। जा चुका है थपकी वो, कुछ नहीं होगा ऐसा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके इस नाटक का असर मैं बिहान और अपने रिश्ते पर नहीं पड़ने वाला। असर तो हो चुका, क्योंकि ये मेरे नाटक का आखिरी बार। तुम दोनों का रिश्ता बिहान आप जैसा नहीं, उसे मुझ पर और हमारे प्यार पर पूरा भरोसा। ढूंढो साथ में, ये तुमसे बहुत दूर जा चुका है, तुम्हारा कभी वापस नहीं। बिहान